हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो हमारा क्राफ्ट है वो बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इट्स वेरी यूनिक। तो आज का जो क्राफ्ट है वो हमारा बेस्ड है सीडीज़ पे। जो भी वेस्ट सीडीज़ हमारे घर में होती हैं, हम उनका क्या करते हैं, हम उन्हें फेंक देते हैं डस्टबिन में। बट ये नो, आज जो मैं आपको क्राफ्ट सिखा रही हूँ उसके हेल्प से आप अपनी सीडीज़ को बहुत ही क्रिएटिवली और बहुत ही प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के रूम के लिए आप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, अपने रूम के लिए आप वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, प्लस कुछ हमारी छोटी छोटी चीज़ों को स्टोर करने के लिए एक सुंदर सा वॉल हैंगिंग प्लस ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें इसके लिए चाहिए कुछ सीडीज़। जितना बड़ा आपको ये ऑर्गेनाइज़र बनाना है इट्स अप टू यू। मैं 5 सीडीज़ यूज़ कर रही हूँ और कुछ क्राफ्ट शीट्स, जो भी आपके फेवरेट कलर हो उससे वो आप यूज़ कर सकते हैं। यस, पेन, पेंसिल, स्केच पेन, ग्लू, परमानेंट ग्लू एंड दिस हॉट ग्लू इफ़ यू वांट। एंड इसके लिए हमें एक कीचेन की जो ऊपर का जो हुक होता है उसकी भी ज़रूरत होगी। कोई भी पुराना आपके पास कीचेन पड़ा हो उससे आप ये ले सकते हैं। एंड सिजर्स, यस, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम जो ये सीडीज़ हैं उसको कवर अप करेंगे। तो जो भी आपके पास ब्राइट कलर है उससे हम इसका बेस कवर अप करेंगे। तो मैं इसके लिए ये शीट यूज़ कर रही हूँ, इसे कवर अप कर रही हूँ। क्योंकि मैं इसको कैटरपिलर थीम दे रही हूँ तो मैं इसलिए ग्रीन यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन के ऊपर जो मैं पॉकेट बनाऊँगी वो ब्राइट कलर की यूज़ करूँगी। सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए पहले मुझे इसको सीडी को ऐसे ट्रेस करना है और इसका बेस कट कर लेना है। ये मैंने ऐसे ये कट कर ली, ये ले लिया है। और अब मैं इसे ऐसे डबल करूँगी तो मेरे पास 2 राउंड्स आ जाएंगे और इसे मैं कट कर लूँगी। सो इसे कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये राउंड्स कट कर ली हैं। बट स्टिक करने से पहले हमें अपनी एक सीडी के अंदर होल करना है। तो उसके लिए होल करने के लिए आप अपनी किसी बड़े के सुपरविजन में, अगर आप किसी बड़े के सुपरविज़न में ये स्टेप करें, अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में ये स्टेप करें। ये मैंने ये कैंडल ली है और ये मैंने एल्युमिनियम वायर ली है। एल्युमिनियम वायर इसलिए ली है क्योंकि इसे मैं दूर से ऐसे पकड़ के रखूँगी तो इसका एक एंड हीट करूँगी तो दूसरे एंड पे मेरा हाथ नहीं जलेगा। तो ऐसे मुझे इसे फ्लेम के ऊपर रखना है और एक सीडी में मुझे होल करना है सो दैट कि मैं अपनी कीचेन की जो हुक है वो उसमें फिक्स कर सकूं। तो ये मैंने ऐसे किया है और ये देखिए मैं ये ऐसे कर दिया। ये देखिए ये होल हो गया है, ये आपको दिख रहा है। अब मैं इसमें अपना कीचेन का जो होल है वो फिक्स कर पाऊंगी। थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेती हूँ। That's enough. अब मैं इसको कवर अप कर दूंगी। अब हॉट ग्लू की मदद से मैं इन सीडीज को स्टिक कर इस पे ये बेस जो है वो स्टिक करूंगी। उसके लिए ये देखिए ये ये बेस रेडी है। ये देखिए ऐसे करके मैं ये 5 सीडीज को स्टिक कर लूँगी, कवर अप कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने 4-5 सीडीज जो हैं वो कवर अप कर ली हैं। ये देखिए कवर करने के बाद ये ऐसा लगेगा। इसके बाद आप इसके ऊपर हमें पॉकेट्स बनानी हैं, इस पर हमें जिसमें हम अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कोई भी ब्राइट कलर ले सकते हैं। मैं जैसे ये ले रही हूँ क्योंकि मैंने बेस डार्क रखा है तो कंट्रास्ट में मैं ये लाइट कलर ले रही हूँ, ब्राइट कलर ले रही हूँ।
क्योंकि मैं इसको कैटरपिलर थीम देना चाह रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये ब्राइट कलर लिया है इसको पॉकेट्स बनाने के लिए। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको हम एक तरफ कर देंगे। ये देखिए, ये ऐसे ये ब्राइट कलर लेके और इस पर एक सीडी को मैं ट्रेस करूँगी। ये देखिए, ये देखिए, और ये सीडी का मैं जो पॉकेट है ये यहाँ से लेके, ये देखिए, ये थोड़ा सा नीचे कर लूँगी मैं, ये देखिए ऐसे। आप जितनी बड़ी पॉकेट बनाना चाहते हैं, ये देखिए, तो ये मैंने ये ट्रेस कर ली ऐसे, ये देखिए। अब ये जो मैंने ट्रेस की है इस पर मैं एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर, मिनिमम 1 सेंटीमीटर और 1.5 और 1.2 सेंटीमीटर, 1.5 और 2 सेंटीमीटर आप तक आप ले सकते हैं, जैसा आपको पॉकेट्स चाहिए। ये देखिए, मैंने ये मार्क ले लिया है। अब मैं, ये देखिए, मिनिमम लेकिन 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, मैं ये 2 सेंटीमीटर का मार्क ले रही हूँ, ये देखिए ऐसे 2 सेंटीमीटर का मार्क लेके मैं ये इसको मार्जिन ले रही हूँ ऐसे ऐसे। ये मुझे पूरा मार्जिन चाहिए और ऐसे मैं एटलीस्ट 4 सेमी सर्कल्स कट करूँगी। ये देख सकते हैं मैं कैसे ये इसका मार्जिन ले रही हूँ स्केल की हेल्प से। हम ये क्यों मार्जिन ले रहे हैं, सो दैट कि हम इसको स्टिकिंग में हमें इजी रहे, इस पॉकेट को स्टिक करने में ये मार्जिन स्टिकिंग में हेल्प करेगा, प्लस पॉकेट हमारी बड़ी होगी तो हम इसमें चीज़ें अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, इसलिए हम ये मार्जिन लेते हैं। ये देखिए, अब ये इस डॉटेड लाइन को मैं ऐसे मिला के एक बड़ा सेमी सर्कल ड्रॉ कर लूंगी। और जब मैं इस शीट को ऐसे फोल्ड करूंगी तो ये 2 हो जाएंगे, और जब मैं इसको ऐसे एक और फोल्ड करूंगी तो मुझे एक, ये देखिए, 1, 2, 3, 4 सेमी सर्कल्स मिल जाएंगे। और मैं इसे कट करूंगी। अब कट करने के बाद आप देखेंगे आपको ऐसे ये 4 सेमी सर्कल मिले हैं। 4 इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट है उसको मैं कैटरपिलर का हेड बनाऊंगी, तो ये 4 पॉकेट्स हैं। अब इनको लगाने से पहले, इनको आपस में स्टिक करने से पहले मुझे अपनी सीरीज जो हैं वो एक के ऊपर एक स्टिक करनी है। ये देखिए ऐसे वॉल हैंगिंग की तरह, सो दैट फिर मैं आराम से इस पर पॉकेट प्लेस करूँगी। तो उसके लिए अगेन मैं ग्लू गन लूँगी और थोड़ी सी ग्लू गन यहाँ लगा के, ये देखिए ऐसे प्लेस कर दूँगी। अगेन सेम, ये देखिए ये आपस में स्टिक हो गई है। जब हम सीडीज को आगे से स्टिक करेंगे तो पीछे भी सपोर्ट चाहिए होता है ताकि ये सीडीज अच्छे से स्टैंड कर सकें। तो उसके लिए ये ऐसे पैकेजिंग टेप आपके पास होती है, पैकेजिंग टेप ना हो तो आप नॉर्मल टेप जो होती है हमारी ट्रांसपेरेंट वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए इसको ऐसे सपोर्ट देने के लिए ये मैं लगा रही हूँ, सो दैट इसको सपोर्ट मिले, तभी ये अच्छे से स्टैंड करेगी वॉल हैंगिंग। ये देखिए, ये से हमने सपोर्ट दे दिया है। अब ये देखिए, ये अच्छे से स्टैंड कर रही है, यहाँ पर भी ड्राई हो गया है। तो अब मैं पॉकेट्स प्लेस कर सकती हूँ। तो ये जो पॉकेट्स हैं, ये फिर मैंने जो ये मार्जिन रखा है मैं इसे कट लगाऊंगी सो दैट ये अच्छे से प्लेस हो सके। तो उसके लिए ये देखिए, अगेन ये जो मैंने पॉकेट्स ली थी अब मैं इन पे
छोटे छोटे कट लगाऊंगी, छोटे छोटे इंटरवल पे, ताकि ये स्टिक करने में हमें इजी रहे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, और इसको मैं ऐसे पहले से ही थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगी, तो फोल्ड करने, इसको स्टिक करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा राउंड शेप आ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए ऐसे। अब मैं इसे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करूंगी। ये देखिए, थोड़ी सी ग्लू गन यहाँ लगाएंगे और ऐसे इसे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, सेम वे हम यहाँ करेंगे और ऐसे प्लेस करते रहेंगे। ये देखिए, मैंने पॉकेट्स लगा दी हैं, आप देख सकते हैं ये पॉकेट्स। अब मैं ये कैटरपिलर का फेस बनाऊंगी। उसके लिए मुझे ये वाइट शीट चाहिए और वाइट शीट के ऊपर मैं इसकी दो आईज बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने ये दो ब्लैक राउंड्स और ये वाइट राउंड्स काट लिए हैं और मैंने इसकी दो एंटीनाज भी कट कर लिए हैं सेम पेपर से। अब मैं इसे स्टिक करूंगी। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं ये का मैंने माउथ भी ऐसे छोटा सा कट कर लिया था, क्योंकि हम ये बच्चों के रूम के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा किडिश टच दे रही हूँ। बड़ों के लिए हम अच्छा इसको थोड़ा फ्लोरल भी टच दे सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने ऐसे लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे कीचेन फिक्स करूँगी। उसके लिए ये जैसे मैंने ये कीचेन कहा था, ये कीचेन और ये वायर, अब इस वायर को यहाँ पे मैंने डाला और इसका ये पार्ट मैंने कट कर दिया। अब इसको मैं इसमें डाल के, ये देखिए ऐसे डाल के, और पीछे इसको मैं, ये देखिए, इसको मैं ट्विस्ट कर दूंगी। ये देखिए, और हमने कीचेन फिक्स कर दी। अब जैसे आप देख सकते हैं, बच्चों के लिए के रूम के लिए ये कैटरपिलर ऑर्गेनाइजर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, ये फिक्स कर दिया है। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ डेकोरेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं स्टोन से कर रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इसके बॉडी पे जो कर्व्स हैं, मैं यहाँ पे थोड़े स्टोन्स लगा रही हूँ। ये देखिए ऐसे, आप लेस भी लगा सकते हैं, लेस लगाना चाहे तो लेस लगा सकते हैं, ऐसे ये लगा सकते हैं आप। ये देखिए, ये मैंने स्टोन्स लगाए हैं तो ये और अट्रैक्टिव लग रहा है। अब मैं आपको इसको हैंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हैंग करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। आप भी अपने घर के लिए, अपने बच्चों के रूम के लिए, अपने रूम के लिए ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। ओके, बाय फॉर नाउ, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। Bye!